सभी को आज हम बनाएंगे शिमला मिर्च और प्याज। तो ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है जो शायद ही किसी ने बनाई होगी, आप लोगों को पसंद आएगी बहुत। तो चलिए करते हैं शुरू। तो चलिए हम किस तरीके से इसको बनाते हैं, इधर दिखा रहे हैं इसका मसाला। तो यहाँ पे ले लिए हमने मसाले, ये मलाई ली है फ्रेश दूध की मलाई है, ये ताजी। ये लिए थोड़े खड़े मसाले, तेज पत्ता है, दो लाल मिर्च है साबुत, ये थोड़े खड़े मसाले अलग से भी है, दालचीनी है, जावित्री है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची भी है, दो लौंग है, छोटी चार इलायची है, ये मैगी मसाला, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी, किचन किंग मसाला लिया है, राई दाना लिया है, ये लिया है जीरा, यहाँ लिया दो पिंच हींग। तो चलिए हम पहले बनाते हैं मसाला। तो यहाँ पे टमाटर को मोटा मोटा कट कर लेंगे इस तरह। इनका बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे टमाटर को सारे को मोटा मोटा कट कर लिया है, इसको डालेंगे मिक्सी जार में। तो हरी मिर्च को भी मोटा मोटा कट कर लेंगे इस तरह। तो इसको भी मिक्सी जार में डाल लेंगे। अदरक को भी कट कर लेंगे, अदरक को याद रखें कट करके ही डालें, ये टाइट बहुत ज्यादा होती है तो पिस नहीं पाती है अच्छे से मिक्सी जार में। और छोटा छोटा कर देते हैं इसको ताकि अच्छे से ग्राइंड हो जाए। बारीक सा पेस्ट बनाना है हमें इसका। तो यहाँ पे मिक्सी जार में डाल लिया है मैंने टमाटर, अदरक, हरी मिर्च। तो इसका बनाएंगे बारीक सा पेस्ट। पेस्ट हमारा तैयार है, एकदम बारीक पेस्ट बना के तैयार किया है। चलिए अब सब्जी को करते हैं फ्राई। तो यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर ली है, यहाँ पे हमने कर ली है गैस ऑन, कढ़ाई रख ली है, कढ़ाई भी हमारी गर्म हो गई है, जो पानी था वो भी सूख गया है कढ़ाई का। तो यहाँ पर डालेंगे तेल, सरसों का तेल लिया हुआ मैंने, तो अभी इतना ही डालेंगे, कटोरी तेल लिया है मैंने यहाँ पे। तेल हमारा यहाँ गर्म हो गया है, गैस का फ्लेम लो कर लिया है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे डालेंगे हम प्याज, ये छोटा छोटा कट कर लिया था, खोल भी है सारा प्याज। तो प्याज मैंने यहाँ पे मोटा मोटा कट किया कर लिया था। ऊपर से डाल देंगे शिमला मिर्च, ये भी मोटी मोटी कट की हुई है। निकाल लेंगे ताकि इसका सारा तेल निकल जाए। इस तरह थोड़ा हिला लेंगे, तेल इससे पूरा निकल जाएगा। प्लेट में निकाल लेंगे, गैस का फ्लेम लो कर लेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है, यहाँ पे डालेंगे सबसे पहले राई दाना, कुछ डालेंगे जीरा, खड़े मसाले डाल देंगे, ये भी डाल देंगे लाल मिर्च, हल्का सा रोस्ट कर लेंगे इसको।
डालेंगे थोड़ा सा पानी घुमाते हुए, मसालों को अच्छे से भून लेंगे एक बार। इसी के साथ डाल देंगे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर भी डाल देंगे, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर था जो मैंने लिया था ये भी डाल देंगे। साथ ही मसालों को अच्छे से भूनेंगे। मसाले को हमें अच्छे से भूनना है, खड़े मसालों की इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, अलग तेल अलग ना होने लग जाए मसाले से तब तक कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है, वरना जल जाएगा हमारा मसाला, कढ़ाई में लग सकता है, ध्यान रखें। तो इधर हमारा मसाला भून रहा है, इधर हम मलाई को थोड़ा सा ग्राइंड कर लेते हैं मिक्सी जार में डाल के। तो मसाला हमारा भुन गया है, तेल भी अलग हो गया है, एकदम अलग ही कलर आया है इसमें भुनने के बाद। तो यहाँ पे डालेंगे हम मलाई जो कि मैंने ग्राइंड करके ले लिए मिक्सी जार में, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, ग्राइंड करके ही डालें क्योंकि मलाई में थोड़ी होती है तो अच्छे से घुलती नहीं है, मेल्ट नहीं होती है, वो मलाई की तो थोड़ी कतरन होती है, वो अलग अलग हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा चला लेंगे, हल्का सा भूनेंगे। थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पे पानी, मैंने ये वाला पानी लिया है, इससे कटोरी भी धुल जाएगी, मलाई की ओर रखी थी ये। तो यहाँ पे मसाले को देते हैं थोड़ा ढक 2 मिनट के लिए, इसमें वो एक उबाल आने देते हैं। Tomorrow. तो यहाँ पे हमारे मसाले में आ गया है उबाल, नमक डाल देंगे, पहले नमक नहीं डाला था मैंने सब्जी में, स्वाद अनुसार नमक डालें। ऊपर से डाल देंगे ये प्याज और शिमला मिर्च। तो मैंने तेल इसलिए निकाल लिया था इस शिमला मिर्च और प्याज से, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा तेल हो जाता गर्मी का टाइम है, तो तेल ज्यादा थोड़ा हैवी हो जाता है, तो हिसाब से ही तेल डालें। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको और पकने देते हैं। तो यहाँ पे 1 चम्मच चीनी ली है मैंने, इसका फ्लेवर अच्छा आता है, इसको डाल देंगे में मिक्स कर देंगे। थोड़ा और ढक देते हैं यहाँ पे, थोड़ा और पका लेते हैं इसको, प्याज और शिमला मिर्च को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स होके तैयार हो जाएगा ये। तो सब्जी को हमारी को हो गए 2 मिनट, चेक कर लेते हैं इसको, एकदम बहुत बढ़िया सब्जी बनके तैयार हुई है हमारी। चेक कर लेंगे एक बार फिर भी, शिमला मिर्च गल गई है ना अच्छे से, तो शिमला मिर्च हमारी गल के तैयार हो गई है,
ये थोड़े बचे हुए मसाले, ये किचन किंग मसाला लिया है ये भी डाल देंगे। ये मैगी मसाला है, ये है हींग। हींग सब्जी में बनने के बाद ही डालें, मैं तो हमेशा सब्जी के बनने के बाद ही हींग डालती हूँ, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो सब्जी हमारी बनके तैयार है, बहुत अच्छी सब्जी बनी है। कैप्सिकम ऑनियन की, थोड़ा पहले ढक देते हैं सब्जी को ताकि मसाले की खुशबू बाहर नहीं निकले। इससे गैस को हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पे करेंगे सर्व गर्मा गर्म, पूड़ी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ सर्व करें। एकदम होटल जैसी सब्जी बनके तैयार हुई है हमारी, होटल की फीलिंग घर में लीजिए। प्याज और शिमला मिर्च बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। सब्जी हमारी बनके तैयार है, ऊपर से हरा धनिया डाल दिया है गार्निश के लिए, बहुत ही अच्छी लग रही है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इससे। एकदम बढ़िया बेहतरीन सब्जी बनके तैयार हुई है हमारी। बनाइए, खाइए, शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।